में आज मैं आपको एएलपी सीबीटी 2 का शिफ्ट वाइज कट ऑफ एनालिसिस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कौन सा शिफ्ट हार्ड था और कौन सा शिफ्ट इजी और किस शिफ्ट में आप कितने नंबर ला के सेफ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं 21 तारीख के एग्ज़ाम का फर्स्ट शिफ्ट का। तो बात करते हैं फर्स्ट का, तो सबसे ईजी जो पेपर आया था वो फर्स्ट शिफ्ट का ही आया था और इसका जो स्कोर आप देख सकते हैं एएलपी के लिए 53 से 58 अगर आप नंबर ला रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपका नंबर यदि 48 से 53 के बीच में आ रहा है तो आप बिल्कुल ही सेफ जोन में हैं। और एससी के लिए बात कर लें तो 43 से 48 और एसटी के लिए 40 से 43। चलिए अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की, 21 तारीख के पेपर की। तो 21 तारीख का जो सेकंड का पेपर था मेरे ख्याल से ओवरऑल जो पेपर हुआ उसमें सबसे हार्ड क्वेश्चन था। तो इस शिफ्ट में अगर आप 40 से 45 करते हैं 40 से 45 अगर आप करते हैं तो बिल्कुल ही आप सेफ जोन में हैं और आप साइको की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को ओबीसी कैटेगरी, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं 35 से 40 नंबर लाते हैं तो इस कैटेगरी में आप सेफ जोन में हैं। उसके बाद एससी की बात करें तो आप 30 से 35 नंबर लाते हैं तो बिल्कुल ही आप सेफ जोन में हैं। और एसटी की बात करें तो आप 30 नंबर ला के भी सेफ जोन में हैं। तो 30 नंबर ला के आप सेफ जोन में हैं। अब बांटते हैं तीसरे शिफ्ट की 21 तारीख की। तो इसमें आप यूआर के लिए इसका जो पेपर था, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं, पेपर इसका जो इजी से मॉडरेट लेवल का था तो इसमें जो मेरे ख्याल से कट ऑफ होना चाहिए यूआर के लिए 45 से 50 होने चाहिए और ओबीसी का कट ऑफ 40 से 45 होने चाहिए, एससी का कट ऑफ 35 से 40 होना चाहिए और एसटी अगर 35 नंबर ला रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। चलिए अब बात करते हैं 22 तारीख के पेपर की। तो फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो ये मीडियम लेवल का पेपर था, इसमें अगर आपके नंबर 44 से 49 आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 39 से 44 ला रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। फिर बात करते हैं हम एससी के लिए, तो 34 से 39 नंबर ला रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, एसटी की बात करें तो 34 नंबर। अब बात करते हैं 22 जनवरी सेकेंड शिफ्ट की। तो इसमें अगर आप नंबर 44 से 49 ला रहे हैं यूआर कैटेगरी के लिए तो आप बिल्कुल ही सेफ जोन में हैं और ओबीसी के लिए बात करें तो 39 से 44 ला रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं और एससी के लिए बात करें तो आप 34 से 39 नंबर ला रहे हैं तो बिल्कुल ही आप सेफ जोन में हैं और एसटी की बात करें तो 34 नंबर ला रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अब बात करते हैं 22 तारीख के थर्ड शिफ्ट की। इसका जो पेपर था वो इजी से मीडियम लेवल का था तो मैं इसकी कट ऑफ 45 से 50 अगर आप ला रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सेफ जोन में हैं यूआर कैटेगरी के लिए। और ओबीसी के लिए बात करें तो आप 40 से 45 नंबर आपके सही हैं तो आप बिल्कुल ही साइको की तैयारी कर सकते हैं। अगर एससी की बात कर लें हम तो ये 35 से 40 तक अगर आपके सही हैं तो नॉर्मलाइजेशन में आप कट ऑफ के बिल्कुल ही पार कर जाएंगे। उसके बाद अगर एसटी की बात करें तो 35 नंबर आपके लिए सेफ जोन होगा। अब बात करते हैं 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट की। तो एएलपी के लिए जो मेरे ख्याल से पेपर जो था वो मीडियम लेवल का था तो आप इसमें अगर 44 से 49 नंबर लाते हैं तो बिल्कुल ही साइको की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए तो आप पर 39 से 44 नंबर ला रहे हैं तो बिल्कुल ही आप साइको की तैयारी में लग जाएं। अगर हम बात करें एससी की तो 34 से 39 नंबर ला के आप सेफ जोन में हैं। अगर एसटी की बात करें तो 34 नंबर लाकर आप सेफ जोन में हैं। अब बात करते हैं 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट की। तो ये देख लीजिए सेकंड शिफ्ट 21 तारीख और सेकंड शिफ्ट 23 तारीख, ये दोनों पेपर काफ़ी हार्ड थे तो इसमें अगर आप 45 नंबर के अप्रोक्स ला रहे हैं तो बिल्कुल ही सेफ जोन में हैं। तो इसी के अप्रोक्स कट ऑफ देख लेते हैं हम, यूआर कैटेगरी में अगर 41 से 46 नंबर ला रहे हैं तो बिल्कुल ही आप एएलपी के लिए अप्लीकेबल होंगे। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी के लिए, तो 36 से 41 नंबर इस शिफ्ट में आ रहे हैं तो बिल्कुल ही आप सेफ जोन में हैं। अगर एससी की बात कर लें हम तो एससी में आप 31 से 36 नंबर ला रहे हैं तो बिल्कुल ही आप सेफ जोन में हैं। अगर एसटी की बात कर लें तो 31 नंबर के आसपास अगर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सेफ जोन में हैं। चलिए अगर हम बात करें तीसरे शिफ्ट की, इसका पेपर भी इजी और मॉडरेट लेवल के बराबर ही था, अगर देखा जाए तो ना ही इजी और ना ही मॉडरेट था। तो यूआर कैटेगरी के लिए इसमें बात करें तो आप अगर 37 से 52 नंबर ला रहे हैं
तो आप बिल्कुल ही सेफ जोन में हैं। ओबीसी की बात कर लें तो 42 से 47 नंबर आपके आ रहे हैं, तो बिल्कुल ही आप सेफ जोन में हैं। एससी की बात कर लें तो 37 से 42 नंबर हैं, तो बिल्कुल ही आप सेफ जोन में हैं। एसटी की बात करें तो 37 नंबर आपके लिए आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल ही सेफ जोन में हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 21 तारीख का सेकेंड शिफ्ट और 23 तारीख का सेकेंड शिफ्ट ये हार्ड लेवल थे, और फर्स्ट शिफ्ट जो 21 तारीख का है वो सबसे ईजी लेवल था। अगर नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो इसी के आधार पर होगा, फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर होगा। तो जिनके फर्स्ट शिफ्ट के नंबर जितने आएंगे वो मेरे ख्याल से उतने ही रहेंगे, उनके नंबर बढ़ने वाले नहीं हैं। लेकिन बाकी के शिफ्टों की बात करें, सेकेंड शिफ्ट हो 21 तारीख की या 23 तारीख की, सेकेंड शिफ्ट वो हार्ड थे, और इसमें अगर 40 से 45 नंबर भी आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से फर्स्ट शिफ्ट के 60 नंबर के बराबर हैं। बाकी आप देख सकते हैं, सेकेंड शिफ्ट का मीडियम लेवल का क्वेश्चन था और फर्स्ट शिफ्ट का मीडियम लेवल का भी क्वेश्चन था। तो ओवरऑल देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन में अगर आपका हार्ड शिफ्ट में थे तो नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए अब देखते हैं एएलपी टेक्नीशियन के कट ऑफ। तो एएलपी टेक्नीशियन के हम कट ऑफ की बात कर लें तो यहाँ पर आईटीआई ट्रेड वालों की मैं बात करूँगा। आईटीआई ट्रेड में अगर आपकी 21 तारीख के पेपर थे तो बिल्कुल ही ईजी थे, तो इसमें आपके अगर 64 से 69 नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल ही आप ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर सकते हैं। अगर बात करें ओबीसी के लिए तो आपका नंबर 59 से 64 होना चाहिए, तब तो आप सेफ जोन में हैं। अगर एससी की बात कर लें हम तो 54 से 59 नंबर की बात अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। एसटी की बात करें तो 54 नंबर। 21 तारीख के सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपके 46 से 51 नंबर अगर आ रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये हार्ड शिफ्ट था, तो 46 से अगर 51 नंबर आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल ही आपके टेक्नीशियन में रिजल्ट आने के 100% चांस हैं। अगर ओबीसी की हैं, ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं, तो आप 41 से 46 नंबर ला के सेफ जोन में हैं। एससी में अगर आप आते हैं तो 36 से 41 नंबर ला के आप सेफ जोन में हैं। एसटी में अगर आप आते हैं तो 36 नंबर ला के सेफ जोन में हैं। अब बात करते हैं थर्ड शिफ्ट की, तो इसका जो पेपर था इजी से मीडियम लेवल का था, तो यूआर लेवल के आप 51 से 56 नंबर ला के, यूआर लेवल थर्ड शिफ्ट में 51 से 56 नंबर ला के आप सेफ जोन में हो सकते हैं। ओबीसी वाले बात कर लें तो ओबीसी वालों के लिए 46 से 41 नंबर ला के आप सेफ जोन में हैं। एससी की बात कर लें हम तो 41 से 46 नंबर ला के आप सेफ जोन में हैं। एसटी की बात करें तो 41 नंबर आपके लिए सेफ जोन हो सकता है। अब हम 22 तारीख की बात कर लें तो 22 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट जो था वो मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, इसमें आप 50 से 55 ला के सेफ जोन में हैं। ओबीसी वालों की बात करें तो 45 से 50 ला के आप सेफ जोन में हैं, और एससी की बात करें तो 45 से 50 ला के आप सेफ जोन में हैं, और एसटी 40 नंबर के सेफ जोन में हैं आप लोग। चलिए अब देख लेते हैं 22 तारीख के सेकेंड शिफ्ट की बात करें हम, इसमें आप 50 से 55 नंबर ला के सेफ जोन में हैं, और ओबीसी वाले 45 से 50, और एससी की बात करें 40 से 45, और एसटी 40 नंबर। हम बात करते हैं 22 तारीख के थर्ड शिफ्ट की, तो इसका पेपर इजी से मीडियम था, इसमें आप 51 से 56 ला के आप टेक्नीशियन के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं। और ओबीसी की बात करें तो 46 से 41 नंबर, और एससी के 41 से 46 नंबर, और एसटी के 41 नंबर। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करें हम 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट की, तो इसमें आप 50 से 55 ला के टेक्नीशियन आईटीआई ट्रेड में आप बिल्कुल ही सेफ जोन में हैं। अगर आप 45 से 50 नंबर ला रहे हैं तो आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। अगर आप एससी में आते हैं तो 39 से 45 नंबर आपके लिए सेफ हो सकता है, और एसटी की बात करें तो 39 नंबर आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर 23 तारीख हार्ड सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो ये बिल्कुल ही हार्ड शिफ्ट था, तो इसमें आप 47 से 52 नंबर ला के ओबीसी कैटेगरी में आप सेफ जोन में हो सकते हैं। उसके बाद बात करें ओबीसी के लिए, तो आप 41 से 47 नंबर ला के सेफ जोन में हो सकते हैं। एससी की बात करें तो 35 से 42 नंबर, और एसटी के 35 नंबर। और 23 तारीख के थर्ड शिफ्ट की बात करें तो इजी से मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, इसमें आप 53 से 58 नंबर ला के टेक्नीशियन के लिए सेफ जोन में हो सकते हैं। और बात करें ओबीसी के लिए तो 48 से 53 नंबर आपके लिए सेफ जोन हो सकते हैं, और एससी के लिए 43 से 48 नंबर, और एससी के लिए 43 नंबर आपके लिए सेफ जोन हो सकते हैं। अगर हम पीसीएम कैंडिडेट की बात करें तो आप इन सभी में 5-5 नंबर की ऐड कर लें। अगर हम पीसीएम कैंडिडेट की बात करें
तो आईटी ट्रेड वाले जो भी कट ऑफ मैंने शो किए हैं उसमें आप 5-5 नंबर ऐड करके आप सेफ जोन में हो सकते हैं। एक्स फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में अगर आईटी ट्रेड वालों के लिए 64 से 69 है तो आपके लिए 69 से 75 के आसपास हो सकते हैं। इसी प्रकार सभी ट्रेड में सभी डेट में आप 5 नंबर जोड़कर कट ऑफ का एनालिसिस खुद से कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं जल्द ही एक वीडियो ट्रेड के लिए बनाऊंगा कि कौन सा ट्रेड हार्ड था और कौन से शिफ्ट का ट्रेड इजी था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।